अपराध आपका नहीं है युवराज, अपराध राजकुमारी का है। हम क्षमा याचना की अपेक्षा राजकुमारी रुक्मिणी से करते हैं। रुक्मिणी, रुक्मिणी, चेदीराज का और अपमान मत करो। रुक्मिणी, चेदीराज, मैं क्षमा चाहती हूं। क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? ये रो नहीं रही है, रोने का नाटक कर रही है। युवराज, रुक्मिणी आपकी बहन है और आपकी पुत्री महारानी, परंतु इसने आपके साथ पुत्री का धर्म नहीं निभाया। अपने स्थान पर दासी को भेजकर अब जो हो गया सो हो गया। युवराज, क्षमा कर दो रुक्मिणी को। क्षमा करने का अधिकार चेदीराज शिशुपाल को है, मुझे नहीं। किंतु वो तो चेदी देश चले गए हैं। आप कैसे राजा है पिताश्री? यदि मैं नहीं होता तो ये विदर्भ देश कब का शत्रुओं के अधीन हो गया होता। आपसे अपने घर परिवार की रक्षा नहीं होती तो अपने देश की रक्षा आप क्या करेंगे? भैया, आप पिताश्री का अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहा हूं, इन्हें नई दृष्टि दे रहा हूं। नई दृष्टि, जिस दृष्टि के साथ इन्हें यह देखना आ जाए कि चेदी राज और करुष राज गए नहीं, दोनों लौटकर मेरे साथ आ गए हैं राजमहल में। अरे, जिस राजा को यह सूचना नहीं कि उसके राजमहल में क्या चल रहा है, उसे अपने राज्य में या अन्य प्रदेशों की क्या सूचना होगी? जिसे अपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसे शत्रु के बारे में क्या जानकारी हो सकती है? क्यों तुम अपने पिताश्री को वाह बाणों से घायल कर रहे हो? क्योंकि ये इनके प्यार और दुलार का परिणाम है कि आज इनकी सुपुत्री महल छोड़कर द्वारिका भाग रही थी। द्वारिका? हाँ, द्वारिका। और तनिक पूछिए इससे, ये क्यों भाग कर जा रही थी द्वारिका? और यदि ये भाग कर जाने में सफल हो जाती तो क्या कहती आपकी प्रजा, क्या कहते आपके संबंधी और मित्र, क्या कहते आपके शत्रु? यही ना कि जो राजा अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता वो अपनी प्रजा को क्या संभालेगा? अरे, जो अपनी बेटी पर नहीं अंकुश लगा सकता वो अपनी प्रजा पर क्या अंकुश लगाएगा? परंतु रुक्मी, यदि रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करना चाहती है तो नहीं, नहीं। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा और किसी से नहीं, और उस ग्वाले के साथ तो कदापि नहीं। भैया, चुप। आज जो कुछ भी तुमने किया है वो राजद्रोह से कम नहीं, और राजद्रोह का दंड जानती हो? राजद्रोह का दंड है मृत्युदंड। इस रुक्मी को ये अधिकार कहां से प्राप्त हो गया भगवान कि वो देवी रुक्मिणी अर्थात साक्षात महादेवी के साथ ऐसा व्यवहार करे? देवर्षि, ये अधिकार तब प्राप्त हुआ था जब रुक्मी रत्न कुमार था। समुद्र मंथन के समय प्रभु? हाँ देवर्षि, समुद्र मंथन के समय अन्य रत्नों के साथ महामाया महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण महालक्ष्मी को समुद्र कन्या माना गया और समुद्र राज रत्नाकर को उनका पिता और समुद्र पुत्र रत्न कुमार को उनका भ्राता। तब समुद्र पुत्र रत्न कुमार ने महादेवी महालक्ष्मी की प्रार्थना की।
हे महादेवी, हे महालक्ष्मी, आप समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए आप समुद्र कन्या हो गई, मेरी बहन। हे महालक्ष्मी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आपका सहोदर भ्राता होने का सौभाग्य प्राप्त हो। तथास्तु। हे समुद्र पुत्र रत्न कुमार, द्वापर युग में हम दोनों सहोदर भाई बहन होंगे, तब तुम मेरे बड़े भाई रुक्मी होंगे और मैं प्रभु की लीला में सहयोग देने के लिए पृथ्वी पर रुक्मिणी के अवतार में आऊंगी। मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। देवर्षि, अब आपको समझ में आया रुक्मी का अधिकार? समझ गया प्रभु, सब समझ गया। नारायण नारायण। चल, और एक बात, इस बात का ध्यान रखना, मेरी आज्ञा के बिना यदि तुमने इस कक्ष से बाहर पांव रखा तो विदर्भ का युवराज होने के नाते मैं इसे विद्रोह समझूंगा, और विद्रोह का अर्थ, आप अपनी बहन को मृत्यु दंड देंगे? मैं भावनाओं में बहना नहीं चाहता, मैं अपनी राज्य की रक्षा हेतु सम्राट जरासंध का विश्वास पाना चाहता हूं, और तुम मुझे धोखा दे रही हो। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपनी बहन की आकांक्षाओं की बलि चढ़ा देना चाहते हैं आप भैया? तुम्हारी आकांक्षाएं कल्पना मात्र हैं, तुम वास्तविकता से बहुत दूर की सोच रही हो। सत्य तो यह है कि चेदीराज शिशुपाल से विवाह करके त्रिभुवन के सारे सुख तुम्हारे दास बन जाएंगे, अखिल आर्यावर्त की तुम साम्राज्ञी बन जाओगी, साम्राज्ञी। नहीं भैया नहीं, मुझे ये नहीं बनना। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब यदि एक बार भी तुम्हारे होठों पर उस कृष्ण का नाम आया ना, तो मैं सम्राट जरासंध की सहायता लेकर चेदीराज शिशुपाल और करुषराज दंत वक्र को लेकर तत्काल द्वारिका पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं भैया नहीं। तो अब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अपने स्थान पर तुमने दासी को भेजकर जो भूल की है और उससे शिशुपाल का जो अपमान हुआ है, मैं उस भूल को सुधारना चाहता हूं। अब तुम दोनों की भेंट इसी कक्ष में होगी। मालिनी। आगे युवराज। राजकुमारी को चेदीराज शिशुपाल से भेंट करने के लिए सजाओ। जो आगे युवराज। नहीं दंतवक्र नहीं, चोखा हृदय पर लग जाए वो क्षमा याचना से नहीं बढ़ता। जो रुक्मिणी ने मेरा अपमान किया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो भेंट के लिए हाँ क्योंकि तुमने, युवराज रुक्मी की इच्छा तो यही है कि तुम उसकी बहन से विवाह कर लो। किंतु राजकुमारी की ये इच्छा नहीं है। स्त्रियों की इच्छा का क्या महत्व? महत्व होता तो पुरुष स्वयंवर सभा से स्वयंवर इच्छुक राजकुमारी का हरण नहीं करते, और फिर जिस राजकुमारी ने उसे वरमाला पहनाने से ना करती हो, उस राजकुमारी को उसी राजकुमार के साथ विवाह के लिए हाँ ना कहना पड़ता। ये तो बलात्कार हुआ दंतवक्र, तो तुम भी बलात्कार कर लो। तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं भी यही करता शिशुपाल। जिस राजकुमारी ने मेरे पौरुष, मेरे बल और शौर्य का अपमान किया है, जब मुझे ठुकरा कर किसी अन्य के पास भाग जा रही थी, मैं उसी से विवाह करता और जीवन भर उसे ठुकराता और अपने अपमान का प्रतिशोध गिन गिन कर लेता। हृदय पर लगे घाव तभी भरते हैं मित्र, इसलिए मेरी बात मानो और राजकुमारी से अवश्य भेंट करो।
क्योंकि क्योंकि क्या मित्र? मैं सोच रहा हूं कि काका श्री सम्राट जरासंध ने हमें विदर्भ राज भीष्मक की सहायता के लिए क्यों भेजा? क्यों? कुछ न कुछ तो उनके मस्तिष्क में अवश्य होगा। तुम ठीक कह रहे हो दंतवक्र, किंतु एक बात मुझे रह रहकर उलझा रही है कि वो कौन है जिससे रुक्मिणी मिलने जा रही थी? वो कौन है जिसके लिए वो अपने भ्राता और अपने माता पिता के आदेश का उल्लंघन कर सकती है? प्रेत को कितना भी सजा लो मालिनी, वो कभी सुंदर नहीं दिख सकता। इतना निराश नहीं होते राजकुमारी? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने तो हार ही मान ली है। मेरे लिए अब सजीव होकर भी निर्जीव हो जाना है। द्वारिकाधीश का स्वप्न मेरे लिए अब केवल स्वप्न ही रह जाएगा। राजकुमारी, युवराज रुक्मी, चेदीराज शिशुपाल सहित आपके कक्ष में आ रहे हैं। हे भगवान, मेरे भैया युवराज रुक्मी को सद्बुद्धि दो। रुक्मिणी, मैं तुम्हारा और चेदुराज शिशुपाल का परिचय कराने के लिए इन्हें यहां लेकर आया हूं। विराज जी, बैठिए। रुक्मिणी, चेदीराज शिशुपाल के शौर्य और पराक्रम का डंका आज दसों दिशाओं में बज रहा है। रुक्मिणी, मैं तुम्हारा विवाह चेदीराज शिशुपाल से करना चाहता हूं। इस विवाह को सम्राट जरासंध की मान्यता प्राप्त है और चेदीराज शिशुपाल का भी। चेदीराज, आप और रुक्मिणी यहां बैठकर बातें कीजिए, मैं करुषराज दंतवक्र का आतिथ्य करता हूं। भैया, आप आसन ग्रहण करें राजकुमारी। आप कुछ बेचैन हैं राजकुमारी? आपके कारण। अर्थात? मेरे भैया मेरा विवाह आपसे कराना चाहते हैं, परंतु मैं ये नहीं चाहती। मैं किसी अन्य से प्रेम करती हूं। पूछ सकता हूं किससे? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से, और मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप ये विवाह करने से ना कर दीजिए। देवी, आपका रुक्मिणी रूप बड़ा ही निर्भीक और साहसी है।
इतना मनोबल कहां से आया जो आपने शिशुपाल से स्पष्ट कह दिया कि आप उससे नहीं द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती हैं? प्रभु, मैं किसी का मन दुखाने के हित में कभी नहीं हूं, किंतु शिशुपाल रुक्मणी की भावना समझने को तत्पर ही नहीं, वो रुक्मणी की भक्ति को अपना अपमान समझ बैठा है। वो बिना किसी कारण के द्वारिकाधीश को अपना शत्रु मानने लगा है। प्रभु, एक बात पूछूं? अवश्य देवी। आपके सभी अवतारों के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य था। इस द्वापर युग में न तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे अजेय असुर हैं और ना ही रावण और कुंभकर्ण जैसे दिग्दिगंत विजयी राक्षस, जिनका वध करने के लिए आपको 16 कलाओं का अवतार लेना पड़ा। इतना तो मैं जानती हूँ प्रभु कि केवल शिशुपाल और दंत वक्र का वध करने के लिए आपने अवतार नहीं लिया, तो फिर देवी, परमात्मा का प्रकट रूप संपूर्ण सृष्टि के साथ जिस धर्म के आश्रम पर टिका हुआ है, आज उसकी धुरी टूट गई है। उस धर्म रूपी चक्र के आरे बिखर गए हैं। उन्हीं की पुनः स्थापना के लिए मुझे श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण अवतार लेना पड़ा है। किंतु प्रभु, धर्म तो प्रत्येक युग में अपेक्षित रहा है, फिर प्रत्येक युग में आपने पूर्ण अवतार क्यों नहीं लिया? देवी, सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था। एक दो असुरों के अधर्म करने से धर्म के मूल रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, और त्रेता युग में धर्म तीन पाद था। तब मैंने 12 कला संपन्न मानव अवतार लेकर धर्म कैसे निभाया जाता है यह आदर्श प्रस्तुत किया और धर्म विरोधी राक्षस कुल का विनाश किया। किंतु द्वापर में तो धर्म एक पांव पर खड़ा है, सर्वत्र पापाचरण हो रहा है। देवी, कलयुग द्वापर के द्वार खटखटा रहा है। कदाचित इसीलिए पृथ्वी पर जीवन मूल्य खंडित हो गए हैं। लोग परमार्थ के उच्चासन से गिरकर स्वार्थ के दलदल में फंसते जा रहे हैं। देवी, यदि आप भविष्य में झांक कर देखेंगी तो आपको पृथ्वी लोक अधर्म और अन्याय के अंधकार से ग्रस्त दिखाई देगा। देवी, कलयुग का प्रभाव भी इतना भयंकर है कि कलयुग के आने से पूर्व ही अनर्थ का ज्वालामुखी अपना मुंह खोल देगा। भाई भाई का वध करेगा, पुत्र पिता का और शिष्य गुरु का वध करेगा। स्वार्थ इतना प्रबल हो जाएगा कि हर नाते हर संबंध लहू में स्नान करते दिखाई देंगे। अधर्म का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि लोग भ्रमित हो जाएंगे। वो मार्गदर्शन की उपेक्षा करेंगे। वहां मेरा श्री कृष्ण अवतार उन्हें गीता का दिव्य उपदेश देकर उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।